फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान चल रही थी हमारी थर्ड यूनिट, इसका लेक्चर 6 है ये। इसमें हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस यूनिट में इससे पहले हम ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, एचएमपी संट, ठीक है, और ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब देखो, ग्लाइकोजन यहाँ तक लिखा है ग्लाइकोजन, और फिर लिखा है लाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का तोड़ना। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना। तो हम क्या करेंगे, मेनली ग्लाइकोजन, ये क्या है ग्लाइकोजन, इसको तोड़ेंगे ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में क्यों तोड़ेंगे, देखो इससे पहले हम प्रोसेस, जो इससे पहले की क्लास है आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, उसका नाम था प्रोसेस का ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इससे हम क्या करते थे, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल होते हैं सबस्ट्रेट, उसको हम कन्वर्ट करते थे किसमें, ग्लूकोज में। और इसमें हम क्या करते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट से दूसरा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें। और इसमें अंतर क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये वर्ड अलग अलग हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब है नॉन कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल से ग्लूकोज को बनाना, और इसका मतलब है एक कार्बोहाइड्रेट ही है ग्लाइकोजन, जो कि पॉलीसेकेराइड है, उसको मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का मतलब है, क्योंकि सभी लोग जुड़े हुए हैं, भिड़े हुए हैं बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनाने में, इसलिए क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस की, एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी में, तो सबसे पहला यही मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, जो फास्ट हमको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, क्रेब साइकिल के थ्रू। तो इसीलिए हम ग्लूकोज में इनको कन्वर्ट करते हैं। जब फ्री ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो ये सारे प्रोसेस एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज बनने लगता है। जब तक ग्लाइकोजन रहेगा तब तक ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, जब ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाएगा तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, ठीक है, जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, उससे हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था। तो ग्लूकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज वन फास्फेट, मतलब ग्लाइकोजन को हम वन फास्फेट में, ग्लूकोज वन फास्फेट में बदल रहे हैं, एंड ग्लाइकोजन एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है, ग्लाइकोजन एन माइनस वन, लास्ट में देखो ये है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, तो ग्लाइकोजन को हम एन लिखते हैं ऐसे, क्यों, क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ, ये एन क्या है, नंबर ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना है ना ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कैसे बनता है, मान लो ये कि ये ग्लूकोज है, ठीक है, फिर दूसरा ग्लूकोज, फिर तीसरा ग्लूकोज, इस तरह से इसमें ब्रांचिंग भी होती है, ऐसे भी हो सकता है ग्लूकोज यहाँ जुड़ा हो, ठीक है, यहाँ जुड़ा हो ग्लूकोज, ठीक है, फिर इस तरह से ग्लूकोज, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़कर बनाता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के साइड में हम लिख देते हैं नीचे होल एन, इसका मतलब नंबर ऑफ ग्लूकोज एन है इसमें, ठीक, कितने ग्लूकोज हैं इस ग्लाइकोजन में, एन। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज वन फॉस्फेट में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजिनोलाइसिस, तो ग्लूकोज वन फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो एक ग्लूकोज है ना, बाकी ग्लाइकोजन के ग्लूकोज बचे होंगे, तो उसको हम लिखेंगे ग्लाइकोजन एन माइनस वन, मतलब ग्लूकोज जितने थे इस ग्लाइकोजन में उसमें से बस एक माइनस कर दिया गया, अलग कर दिया गया, बाकी ग्लाइकोजन बचा हुआ है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज वन फॉस्फेट एंड ग्लाइकोजन एन माइनस वन। ग्लाइकोजन ब्रांचेस आर कैटाबोलाइज बाय द सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स विया फास्फोराइलेसिस, ठीक है, फास्फोराइलाइज बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ठीक है। अब यहाँ होता क्या, मतलब इस लाइन का ये था कि ये जो ब्रांचिंग होती है इसमें, तो पहले एक ये मॉलिक्यूल निकला, फिर यहाँ से एक मॉलिक्यूल टूटा, फिर यहाँ से, अब इसमें एटीपी यूज हो रहा है हर हर स्टेप में, जब इसको तोड़ के अलग करोगे तो यहाँ पे एक
एटीपी यूज होगा और बन जाएगा एडीपी। यहाँ पे जो फॉस्फेट रिलीज होगा वो ग्लूकोज में जुड़ जाएगा, ग्लूकोज नहीं, देखो जब ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो केवल ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ग्लूकोज वन फॉस्फेट मिल रहा, मतलब फर्स्ट पोजीशन जो है ग्लूकोज की, ग्लूकोज का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन, जो फर्स्ट वाला कार्बन है यहाँ पे फॉस्फेट भी जुड़ेगा तब उसको बोलेंगे ग्लूकोज वन फॉस्फेट। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है इसका, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो एक्शन करता है और यहाँ पे फास्फोराइलेशन करवाता है ग्लूकोज का, फिर अलग होता है, ठीक है। तो एक एटीपी इसमें इसमें एक फॉस्फेट भी जुड़ जाता है, वही बात की जा रही है यहाँ। बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, क्रियाविधि, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक जुड़ रहा है ग्लाइकोजन में और वो कन्वर्ट कर दे रहा है ग्लूकोज वन फॉस्फेट और ग्लाइकोजन बचा हुआ एन माइनस वन। द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज वन फॉस्फेट इज, ये रिएक्शन है ग्लाइकोजन और प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या फिर तुम यहाँ पे एटीपी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे प्लस में एडीपी लिखना पड़ेगा या फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रखो और लगा दियो बीच में, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करो या एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे एडीपी बन जाएगा, वही एटीपी अगर यूज करोगे तो। हियर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्लीवेज द बॉन्ड लिंकेजिंग लिंकेज अल्टर लिंकेज आ टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यू। ये जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है ये क्लीवेज करता है बॉन्ड, जो ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजन में ग्लूकोज जो आपस में जुड़े हुए हैं बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं ग्लाइकोजन में, एक होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और एक होता है 1,6, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ कैसे पाया जाता है सब मैंने आपको पॉलीसेकेराइड में बताया है ग्लाइकोजन वाले में। ये जो चेन एक सीधी चेन है इसमें जो पाए जाएंगे ब्रांचिंग ये होती है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये जो ब्रांचिंग हो गई, देखो ये चेन सीधे जा रही थी ग्लूकोज ग्लूकोज की, बीच में ब्रांचिंग हो गई, इस ब्रांचिंग में जो होती है बॉन्डिंग उसको बोलते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, तो उसी का ब्रेकडाउन करवाता है फास्फोराइलेज एंजाइम। तो फास्फोराइलेज एंजाइम क्लीवेज द बॉन्ड लिंकिंग अ टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यू टू अ ग्लाइकोजन ब्रांच बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ फास्फोरिल ग्रुप फॉर द अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है। ग्लूकोज वन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, अब ये जो ग्लूकोज वन फॉस्फेट है इसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम डालेंगे, ये जो हम ग्लाइकोजन से बनाए हैं ग्लूकोज वन फॉस्फेट इस पर एंजाइम काम करेगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये हम सीधा इंटर कर सकते हैं किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। आपको पता ही है ग्लाइकोलिसिस का जो सेकंड फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो क्या बन गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब फंक्शन इसके क्या है, कार्य, ग्लूकोजिनोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द मसल, ये मसल सेल और लीवर टिश्यू, जो लीवर टिश्यू होता है मसल सेल जैसे कि एडिपोज टिश्यू जो है उसमें, और लीवर टिश्यू इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल एंड न्यूरल सिग्नल, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए जो ग्लूकोजिनोलाइसिस है ये मसल और लीवर टिश्यू में होगा, लेकिन इसके होने के लिए पहले जो है हार्मोनल या न्यूरल सिग्नल की ज़रूरत होती है। जब सिग्नल आएगा कि ग्लूकोज की कमी है इस प्रोसेस को चालू करो और ग्लाइकोजन से तोड़ो ग्लूकोज में, ठीक है, तब ये चालू होगा। इन पार्टिकुलर ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब जो एक्शन तुरंत लेता है, ठीक, जब एक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे कि मान लो आप जा रहे थे आराम से और किसी कुत्ते ने आपको झपट लिया, जल्दी से आप एक्शन करोगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जल्दी होगी, ग्लूकोज लेवल कम है, तो क्या करोगे आप, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तुरंत, ठीक है। अचानक से जो काम होते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस ये
इन चीज़ों के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन, जैसे इपिनेफ्रिन, नेफ्रिन होता है, ठीक है, नेफ्रिन हार्मोन, तो वो सब काम करते हैं। एंड द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन भी इसी के थ्रू होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इन मायोसाइट्स, मायोसाइट मतलब मसल सेल जो होती है, साइट मीन सेल होता है, मायो मीन मसल सेल, ठीक है, तो मायोसाइट मसल सेल, इसी तरह से हिपेटोसाइट हम लीवर सेल को बोलते हैं। तो मसल सेल में क्या होता है, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन सर्व्स टू प्रोवाइड एन इमीडिएट सोर्स ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फॉर ग्लाइकोलिसिस टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमको ग्लाइकोलिसिस से एटीपी मिलती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है मूवमेंट करने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए मसल का कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरी है। ये मूवमेंट ही है, लोकोमोशन और मूवमेंट आप पढ़े होंगे। इन हिपेटोसाइट बात करें लीवर सेल की, द मेन पर्पज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन टू द ब्लड स्ट्रीम फॉर अपटेक बाई अदर सेल्स, ठीक है, तो जो हिपेटोसाइट सेल हैं, लीवर की सेल, वहाँ क्या होता है, आपको भी वही तो बता रहा हूँ कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो घटा हुआ होता है वो पूर होने लगता है। जब पूरा होगा तो इसका अपटेक जो अदर सेल हैं बॉडी की, जिसको एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ग्लूकोज नहीं मिल रहा था ऑक्सीडाइजेशन के लिए, तो उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ये ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड जो है हमारा वो सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में जितने भी अदर सेल हैं वहाँ अपटेक के लिए पहुँचा देगा। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इज रिमूव्ड बाय द एंजाइम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फोटेज, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज विच इज नॉट प्रेजेंट इन मायोसाइट, ठीक है, तो मायोसाइट में जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट होता है ये इसी के रूप में ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है। और बात करते हैं लीवर की, तो वहाँ पे एंजाइम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है, तो इस ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एंड द फ्री ग्लूकोज एग्जिस्ट इन द सेल विया ग्लूट टू, देखो ये ग्लूट टू ये चैनल होते हैं, ग्लूट फोर, ग्लूट टू, ग्लूट टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल्स इन द हिपेटोसाइट्स सेल मेम्ब्रेन, ठीक, तो हिपेटोसाइट जो होता है लीवर की सेल हैं उसके सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चैनल लगे हुए होते हैं ग्लूट टू के, जो कि इस ग्लूकोज को बाहर निकालते हैं हिपेटोसाइट सेल से, और ये फिर कहाँ जाता है, ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज अदर बॉडी के पार्ट जितने भी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वहाँ पहुँचाया जाएगा। अब इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इस ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज रेगुलेटेड हार्मोनली, ठीक है, हार्मोनल रिस्पॉन्स जब मिलेंगे तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ब्लड शुगर लेवल, ठीक, ब्लड शुगर लेवल जो हमने आपको बताया था, इस तरह से ब्लड कैपिलरी है, एक बार बता चुका हूँ मैं आपको इन चीज़ों को, तो इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज होता है, लिपिड होता है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, आयन्स होते हैं, क्लोरीन आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन, इस तरह से, और इसमें क्या हो सकता है, जो कार्बोनिक एसिड होता है उसके कार्बोनेट आयन वगैरह हो सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और क्या होता है इसमें, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, इसी तरह से ग्लूकोज भी इसी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इस वाल में सेंसर लगे होते हैं, जो ब्लड कैपिलरी की वाल होती है अंदर वाली, ये किस, ये ऊतक से बनी होती है ना, तो ये कौन सा ऊतक होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होता है, यहाँ पे सरल सल्की उपकला होता है, ठीक है, उस सरल सल्की उपकला क्या करता है, वो यहाँ पे सेंसर होते हैं जो कि ग्लूकोज लेवल को चेक करते रहते हैं, तो जैसे ही कम होगा तो ये रेगुलेट हो जाएगा, ठीक, हार्मोन को सिक्रेट होंगे उसको ग्लूकोज लेवल को पूरा करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हार्मोनली इन रिस्पॉन्स टू ब्लड शुगर लेवल बाय ग्लूकागॉन, ठीक है, ये जो ग्लूकागॉन एंजाइम है, सॉरी हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, एंड स्टिमुलेटेड बाय एपिनेफ्रिन ड्यूरिंग द फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है, तो ये तीन हार्मोन मेनली जिम्मेदार होते हैं, जनरली ग्लाइकोजन और ग्लूकागॉन और इंसुलिन इसको बढ़ाते घटाते हैं, बाकी जब फाइट और फ्लाइट वाली बात आती है, अचानक से रिस्पॉन्स देना होता है, तब एपिनेफ्रिन सिक्रेट होता है, वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन पोटेंशियली
इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, जो इंसुलिन होता है ये इसको इनहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का काम होता है रक्त ग्लूकोज को कम करना, शुगर को कम करना। जैसे शुगर हो जाता है डायबिटीज़ तो वो इंसुलिन लेता है क्योंकि उसका लेवल बढ़ा हुआ है शुगर का, तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, उसका ग्लूकोज लेवल घट जाए। और ग्लूकागन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो मतलब ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को घटाता कौन है, इंसुलिन हार्मोन। और एपिनेफ्रिन क्या करता है, ये भी बढ़ाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। इन मायोसाइट्स ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन में आल्सो भी स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिग्नल, न्यूरल सिग्नल, ठीक है। मायोसाइट जो है मसल सेल, उसमें जो ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन है, जो ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, जो प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इन न्यूरल सिग्नल के थ्रू भी हो सकता है। जो कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं, सिक्रेट होते हैं, एसिटिल कोलिन वगैरह हो सकते हैं, डोपामीन हो सकते हैं, डाबा हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं जो कि न्यूरल सिग्नल के थ्रू भी मसल सेल क्या करती हैं, इस प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं, रेगुलेट करती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के पास, ठीक है, जो भी बीएससी में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, या वीडियो के नीचे कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी सभी कमेंट पढ़ता हूँ, आपको जवाब मिलेगा तुरंत कोई भी क्वेश्चन पूछोगे। और टेलीग्राम पे ये नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे अभी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।